सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12:15 बजे की ट्रेन बीकानेर से रवाना होगी। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, कोलकाता के बीकानेर से कोलकाता के बीच आज से दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाएगी, समय भी बचेगा, दूरी कम हो जाएगी, किस तरह की सौगात बीकानेर वासियों के लिए? जी बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बताऊं कि बीकानेर के लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान का शहर है बीकानेर और वहां से हिंदुस्तान के दूसरे कोने यानी ईस्ट की तरफ, कोलकाता की तरफ 24 घंटे में पहुंचाने वाली सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस जो है उसकी शुरुआत आज होगी। कहीं ना कहीं आप देखिए रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर अंतिम रूप इस पूरी कवायद को दे रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रघुराम मेघवाल पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं देखिए बड़ी इसलिए कहा जा सकता है इस पूरे ट्रेन को, क्योंकि कोलकाता की डिस्टेंस जो है वो काफी दूरी से मानी जाती है। जो अधिकारी मेरे साथ में बात करता हूँ, सर कितने फायदेमंद होगी ये ट्रेन, किस तरह से देख रहे हैं सर? इसमें तो नो डाउट कि एक नई गाड़ी मिली है आपको, खासतौर पर दुरंतो जैसी स्पेशल गाड़ी मिली है जो राजधानी शताब्दी के स्टैंडर्ड पे आती है उस, तो एक नई गाड़ी बिकाने के लिए बड़ी सौगात है कि यहाँ के लिए एक इम्पोर्टेंट गाड़ी आई है इंडियन रेलवेज की, वो भी सियालदह या हावड़ा रूट की या बंगाल रूट की, जो कि आपकी यहाँ की प्रायोरिटी है, काफ़ी डिमांड है लोगों की। संजय जी आप क्या कहेंगे, बीकानेर के लिए एक सौगात है, आम जो लोग हैं कितना फायदा होगा इस ट्रेन से, क्योंकि कोलकाता से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं? केवल बीकानेर जिला नहीं बल्कि पूरे बीकानेर संभाग के लोगों से को बहुत बड़ी एक राहत मिली है, और न केवल बीकानेर के संभाग के नागरिकों बल्कि विशेष रूप से व्यापारी और जितने औद्योगिक लोग हैं जो कि यहाँ से यहाँ निवास करते हैं, जिनके सामान बाहर जाते हैं, उनके लिए भी आवागमन सुगम होने से न केवल उद्योग को रफ्तार मिलेगी, व्यापार को रफ्तार मिलेगी, अपितु लोगों का आवागमन पहले के मुकाबले कई गुना सुगम हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी सौगात है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूजा लोगों के लिए सौगात है, साथ ही साथ चूंकि बहुत लंबी दूरी की जो ट्रेनें पहले चलती थी लगभग 48 घंटे के करीब लेती थी, यानी अब आधे समय में बीकानेर के लोग कोलकाता का सफर दुरंतो एक्सप्रेस के जरिए कर पाएंगे, चूंकि पूरा जो बोगी है वो उसको एसी क्लास में रखा गया है, यानी आरामदायक ये सफर होगा। सुपरफास्ट ट्रेन जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कह रही है कि सुपरफास्ट ट्रेन जो है हिंदुस्तान में शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं एक छोटे शहरों से शुरुआत करते हुए बड़े शहरों की तरफ कनेक्टिविटी को लेकर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी पूजा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रौनक आपका। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर में सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस को